हाँ जी दोस्तों, तो सीए और सीएम इंटरमीडिएट वाले दोस्तों, आपके अगर एग्जाम आने वाले हैं ना, तो मेरे साथ आज ही 30 डेज चैलेंज पे ज्वाइन कर लो। इसमें करने क्या वाले हैं ना, इसमें हम करने वाले हैं बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स की, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की रिविजिट करेंगे, उनकी प्रैक्टिस करेंगे और कंप्लीट 30 डेज करेंगे, जिससे जो भी है डर लग रहा है ना कि प्रोविजन आ रहा है लेकिन क्वेश्चन आंसर कोड कैसे करें, वो डर मेरा दूर भागने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट इस चैलेंज के लिए रोज 10:30 बजे सुबह जो है हम इसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो भी सर ज्वाइन कर लो। आज का चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 5, इनकम फॉर्म सैलरी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमें मिलेंगे कहाँ से, तो देखो स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है, प्ले स्टोर पर मेरे ऐप का नाम दैट इज आयुषी बंसल क्लासेस, वहाँ पर अभी अभी ऐप जो है इंस्टॉल कर लो। उसके बाद वहाँ से इन क्वेश्चन आंसर्स की जो फाइल है फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में वो गिवन है, फिर भी किसी को ना समझ आए ऐप पे मैसेज का ऑप्शन भी है, वहाँ से पूछ लो। सेकेंड स्टूडेंट्स नंबर फ्लैश हो रहा है, आप वहाँ पर भी कॉल करके ये जो है क्वेरी अपनी दे सकते हो कि कैसे फाइल मैंने डाउनलोड कर ली है। चलो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो चैप्टर 5 इनकम फ्रॉम सैलरी, क्वेश्चन 1 इज रिलेटेड टू हाउस रेंट अलाउंस, आज तो सीखते हैं कि कैसे होता है। ओके, मैं स्पीड थोड़ी फास्ट रख रही हूँ जिससे कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो सके। मिस्टर राजकुमार एज अ फॉलोइंग रिसीट्स फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर, एक मिस्टर राजकुमार है उसको ये कुछ फॉलोइंग रिसीट्स मिली है, बेसिक पे डीए तनिशो मोटर कार हाउस रेंट अलाउंस। जब भी आप अकाउंट्स का टैक्स का या कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, सबसे ज़रूरी क्या होता है ना, हम पढ़ते हैं स्टार्टिंग से, पढ़ो स्टार्टिंग से एक आइडिया ले लिया, अब लास्ट लाइन पर आ जाओ कि ये पता कर लो कि निकालना क्या है, जिससे हम अपना माइंड सेट उसी अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर सकें। लिखा है फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ HRA एलिजिबल, हमें यह पता हमें हाउस रेंट अलाउंस निकालना है, अब हमें पता उसका फॉर्मूला माइंड में घूमता रहेगा। ठीक है, ओके, सो मिस्टर राजकुमार अज्यूम कर लो कि उसने रेंट जो पे करा है कानपुर पे अपने अकोमोडेशन के लिए, डेट इज 60,000 पर मंथ। डीए फॉर्म्स पार्ट ऑफ सैलरी फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, यानी ये डीए जो है टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट है। मिस्टर राजकुमार एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रिजाइन, यानी जो हमने न्यू टैक्स रिजाइन पढ़ा हुआ है सेक्शन 115 BAC सब जो सबसेक्शन है 1A, उसने वो ऑप्ट आउट कर दिया, यानी उसको ये जो रिडक्शन है मिलने वाली है। अगर वो ऑप्ट आउट ना करता, न्यू रिजाइन में ही रहता, फिर क्या होता स्टूडेंट मैम, फिर उसको ये सारी रिडक्शंस ना मिलती। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ाया था मैंने आपको कि HRA एलिजिबल फॉर एग्जाम्पशन, कितना ऐसा हाउस रेंट अलाउंस होता है विच इज एलिजिबल फॉर एग्जाम्पशन, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग शेड बी एग्जाम्प्टेड, पढ़ा था हमने। पहला क्या था हमारे पास, जितना एक्चुअल अमाउंट रिसीव होता है, कितना एक्चुअल अमाउंट रिसीव हुआ उसको 15,000 रुपये, कितने महीने के लिए रिसीव हुआ कंप्लीट, कुछ नहीं दिया हुआ था कंप्लीट 12 मंथ, डैट इज 1,80,000 रुपये। फिर स्टूडेंट्स हमने बात करी सेकेंड पार्ट की, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, अब रेंट कितना पे करा उसने 16,000 पर मंथ, ये पर माइनस 10% ऑफ सैलरी। नाउ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि भाई सैलरी में क्या क्या लेते हैं। देखो HRA के केस में सैलरी में क्या क्या लेते हैं स्टूडेंट्स बताएंगे फुल मुझे। मैम HRA के केस में हम सैलरी मानते हैं बेसिक पे प्लस DA इन टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट वाला प्लस कमीशन, बट कमीशन को कब लेते हैं, अगर वो परसेंटेज की भी होगी तो टर्म लेते हैं। क्लियर, अब दिख रहे थे बेसिक पे कितनी होगी, बेसिक पे स्टूडेंट्स यहाँ पर गिवन है 40,000 पर मंथ, कितनी गिवन है 40,000 पर मंथ, डीए कितना गिवन है 6,000 पर मंथ, लिख लो इसको। लिखा हुआ उसने कि DNS अलाउंस इज इन टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स, यानी यहाँ पर लगेंगे। फिर बात आती है कि उसका कमीशन कितना गिवन है, कमीशन है ₹50,000 पर एनम, क्या ये यहाँ पे कंसिडर करोगे ये पॉइंट आपका कमीशन वाला, नहीं, कब करते अगर ये परसेंट ऑफ टर्नओवर दिया होता, फिक्स्ड अमाउंट दिया है तो वह हाउस रेंट अलाउंस पे नहीं आता, यानी ये हमारे पास आ गया 40,000 + 6,000 = 46,000 × 12 months, लेना क्योंकि हमने क्या देखना है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, यानी रेंट पे 16,000 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना आ गया 1,92,000 और 5,52,000 का 10% दैट इज 55,200 करो इसको, ये आ गया हमारे पास 1,36,800।
समझ आ रहा है किस तरीके से जाना हमने। चल कोई डाउट है तो आप प्लीज पूछते रहना कमेंट बॉक्स में। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि रोज आपके पास जो है बहुत सारी वीडियोस आने वाली है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की, तो कहीं पे आपसे मिस ना हो जाए। नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, कैसे प्रेस कर लेना बेल आइकन को, ठीक है? अभी के अभी सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। अच्छा थर्ड हमने क्या लिया था, 40% ऑफ सैलरी। 40 क्यों लिया? पहले दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई होता तो 50% लेते, लेकिन अगर इसके अलावा कोई भी सिटी है तो हम लेके 40%। कितना आया था? 40% ऑफ 5,52,000। अभी सैलरी निकाली ना हमारे पास 5,52,000 का 40%, इट कम्स टू 2,20,800। व्हाट इज द लीस्ट ऑफ द फॉरेन शेल बी एग्जाम्पल्ड? सबसे कम इन तीनों में क्या आया स्टूडेंट? सबसे कम आया दिस पार्ट, 1,36,800। तो क्या करेंगे, कितना एचआर ने उसने पूछा कि एलिजिबल है यहाँ पर, तो देखो एचआर ने रिसीव्ड 1,80,000 लेस एग्जाम्प्ट कर दो सेक्शन 13 क्लॉज नंबर 13 में हमने पढ़ा था 1,36,800 टू टैक्सेबल एचआर इज 43,000। क्लियर? अब यहाँ पर स्टूडेंट्स मेरे ही क्वेश्चन करना है आपको एज इट इज स्टडी मटेरियल के थ्रू, बट वट यू कैन डू इज आपको उसने पूछा है एचआर एलिजिबल फॉर एग्जाम्पशन, तो ऐसे केसेस में एक बात जरूर करो कि सबसे ऊपर दे दो भाई एच आर ए एलिजिबल फॉर एग्जाम्पशन, लिखो मेरे साथ साथ 1,36,800 और नीचे लिख देना नोट वन। नोट वन में ही पूरा का पूरा करके दिखा दो, ओके? हाँ उसके बाद टैक्सेबल भी दे दो, लेकिन पहले जो उसने पूछा है उसको अच्छे से हाईलाइट कर दो, दैट वट इज एलिजिबल एच आर ए फॉर एग्जाम्पशन। क्लियर? चलो फिर हमारे पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर टू आता है। एक बात और मैम, सैलरी लेते हमें पता चलिए बेसिक डी ए कमीशन, तो बस ठीक है ना, लिखने की जरूरत है? बिल्कुल लिखने की जरूरत है, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलते। देखिए मैंने यहाँ पर लिख के भी दिया है फॉर द पर्पज ऑफ एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 10 क्लॉज नंबर 13A। कभी भी सेक्शन नंबर भूल जाओ तो मत लिखना, बट गलत मत लिख देना, अदरवाइज पूरा क्वेश्चन सही होते हुए भी जीरो मार्क्स मिलते हैं। आपका नाम गलत क्यों बताएगा तो फिर गुस्सा आता ना, वही केस यहाँ। सैलरी में क्या क्या इंक्लूड है वो सब यहाँ पर लिख दें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू ट्रांसपोर्ट एंड ट्राइबल इंडिया अनाउंस। अब एक बात और, आपको इस तरीके से लिखना है, ऐसे जैसे स्टडी मेड पे दी मैंने, अदरवाइज यू कैन राइट डायरेक्टली कि भाई सैलरी में इंक्लूड होता है बेसिक पे प्लस डीए इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्लस कमीशन इफ गिवन एज परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। क्लियर? लिख दो यहाँ पर कि कमीशन जो है वो परसेंटेज ऑफ टर्नओवर नहीं है, सो वी आर नॉट कंसीडरिंग इट। ओके, ये जो मैं बातें बोल रही हूँ स्टूडेंट, अभी की अभी साथ साथ लिख लोगे तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज बाद में याद नहीं रहती। ट्रांसपोर्ट इन ट्राइबल एरिया अलाउज, अब इसका क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, मिस्टर श्रीकांत के टू सन है, ही इज इन रिसीट ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस ऑफ ₹150 per month। उसको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिल रहा है ₹150 per month का, ठीक है, एल्डर सन के लिए, और ₹70 per month मिल रहा है यंगर सन के लिए। बोथ सन्स आर गोइंग टू स्कूल, दोनों स्कूल जाती हैं, साथ साथ ये कुछ अलाउंसेस मिलते हैं। ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1,800 per month और ट्राइबल एरिया अलाउंस 500 per month, कंप्यूट इज टैक्सेबल अलाउंसेस। कितने अलाउंसेस मिलने हैं? चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस एंड ट्राइबल एरिया अलाउंस, यहाँ पर तीनों का क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट कुछ भी नहीं गिवन है कि उसको ऑप्शन उसमें जो न्यू टैक्स जारी में वो ऑप्ट इन करा या ऑप्ट आउट करा, ठीक है? तो पहले बात करते हैं कि अगर उसने ऑप्ट आउट कर दिया, यानी वो कह रहा है कि मैं न्यू रिजाइन में नहीं रहूंगा, न्यू रिजाइन मानी डिफॉल्ट टैक्स रिजाइन में, डिफॉल्ट टैक्स रिजाइन मतलब अब आप इनकम टैक्स पोर्टल पे चले जाओ तो एक बार न्यू रिजाइन में शो होता है, हमें उसको चेंज करना पड़ता है, ठीक है, इसलिए उसको डिफॉल्ट कहते हैं। तो वो ऑप्शन ले रहा है शिफ्टिंग आउट का, जहाँ कुछ नहीं गिवन है दोनों करके दे दो, वैसे पेपर में गिवन आएगा। तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कितना होता है, कितनी की एग्जम्पशन मिलती है 100 per month पर चाइल्ड, है ना? उसकी देखते हैं उसने कितना लिया। उसके पास स्टूडेंट्स यंग एंटर सन के लिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कितना मिल रहा है, 150 per month, कितना एग्जाम थे 100 rupees per month, ठीक है। यंगर सन के लिए कितना होता है 70 rupees मिल रहा है, 100 तक एग्जाम होता है तो यानी पूरा 70 एग्जाम वापस पूरा देगा इनकम टैक्स पे। चलो दिस इज गिवन एज पर मंथ, तो मल्टीप्लाई बाई 12 कर दो, ये तो मिलना आ गया। 50 × 12 कितना आ गया स्टूडेंट, 600। क्लियर? 50 × 12 600।
समझ आ गई क्वेश्चन। चलो चिरा एजुकेशन अलाउंस डन। फिर बात आती है ट्रांसपोर्ट अलाउंस की। अब स्टूडेंट्स ट्रांसपोर्ट अलाउंस में मैंने आपको क्या बताया था कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस में उसके लिए ये पूरा का पूरा अलाउंस जो है वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। मैम उसके लिए पूरा का पूरा अलाउंस टैक्सेबल की हुआ, उसके लिए कोई एग्जम्पशन नहीं थी। आज समझते हैं। देखो मैंने आपको क्या पढ़ा था स्टूडेंट सेक्शन 10 क्लॉज नंबर 14 में कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो होता है वो किसी भी पर्सन के लिए सिर्फ तब एग्जाम्ड होता है अगर वो पर्सन है। तो कितना एग्जाम्ड होता है, होता तो है 3200 पर मंथ। बट कब, अगर वो जो असेसी है, वो जो एम्प्लॉय है, अगर वो डीफ है, डम्ब है, ब्लाइंड है, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप है, ठीक है, मतलब कुछ प्रॉब्लम है, सो सिर्फ उस केस में 3200 पर मंथ एग्जम्पशन, अदरवाइज नहीं। तो इसके लिए पूरा ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है वो टैक्सेबल रहेगा। क्लियर? देन आता है ट्राइबल एरिया अलाउंस। कितना पड़ा था स्टूडेंट्स, हमने किसी का भी केस वो ट्राइबल एरिया अलाउंस होता एग्जाम अप टू 3200 पर मंथ, उसको कितना मिल रहा है, उसको मिल रहा है 500 रुपये महीना। तो ये 500 इज 200 इसको एग्जाम पर जाएगा, 300 पर मंथ इज टैक्सेबल फॉर दैट पर्सन। सो यहाँ पर हमारे पास हो गया टैक्सेबल अलाउंस होता है 600 प्लस 21,600 क्योंकि ट्रांसपोर्ट अलाउंस पूरा टैक्सेबल होगा, 3600 ट्राइबल एरिया अलाउंस, तो टैक्सेबल अलाउंस 25,800। फिर अगर श्रीकांत ने टैक्स पे कर दिया अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजाइन, यानी कि अगर मान लो कि वो पे कर रहा है न्यू रिजाइन में, कुछ और नहीं है, बस एग्जम्पशन नहीं मिलेगी कहीं भी, क्योंकि न्यू रिजाइन कहता है ऑलरेडी इतना टैक्स रेट आपको सही दे रखा है उसमें कि एग्जम्पशन नहीं है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कितना टैक्सेबल हो जाएगा, 150 एल्डर सन 70 यंगर सन, ठीक है, सो 150 प्लस 70 12 मंथ्स के लिए 2640। ट्रांसपोर्ट अलाउंस पूरा तो पूरा टैक्सेबल है ही यहाँ पर। फिर आता है ट्राइबल एरिया अलाउंस 500 पर मंथ, यानी जितना मिला कोई एग्जम्पशन नहीं है, 13,240 टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं हम रिलेटिव टू पेंशन। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में गलती कर देते हैं, तो मैंने यहाँ पे आपको तीनों क्वेश्चन दे दिए। तो डबल प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय है तो क्या होगा, और अगर उसको ग्रेचुटी मिल रही है प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय है जिसको ग्रेचुटी नहीं मिल रही, तीन केसेस के अलावा पेंशन का कोई केस नहीं बनता, तो इसको ध्यान से मेरे साथ कर लो। देखो स्टूडेंट पेंशन के केस में, अब उसने कहा एक मिस्टर सागर है जो कि रिटायर हो गया 1 अक्टूबर 2023 को, उसको पेंशन रिसीव हो रही है 5,000 पर मंथ हो रही है रिसीव, ठीक है। उसने क्या किया, 1 फरवरी 2024 को अपनी 60% पेंशन को कॉम्यूट कर दिया, यानी यहाँ पर हुआ क्या, अगर वो रिटायर हो रहा है 1 अक्टूबर 2023 को, ठीक है, उसने क्या किया, पहले वो 500 रुपये महीने के हिसाब से, यानी स्टूडेंट्स वो क्या कर रहा था, 500 रुपये महीने के हिसाब से वो पहले पेंशन ले रहा था, फिर पूरी पेंशन में से 7% उसने कॉन्ट्रीब्यूट कर दी। सो कैन आई से पहले उसने अक्टूबर से मार्च तक की तो उसकी पेंशन बनती है, अक्टूबर से उसने क्या किया, अक्टूबर से लेकर जनवरी तक की पेंशन पहले पूरी की पूरी रिसीव कर रहा था, यानी 5,000 रुपये महीने के हिसाब से, इतना हुआ अक्टूबर नवंबर दिसंबर चार महीने, ठीक है। फिर उसने क्या किया फरवरी और मार्च में, व्हाट ही हैज डन फरवरी और मार्च में, उसने ये कह दिया कि अब उसको कितनी अनकॉम्यूटेड पेंशन मिल रही है, अगर मैं देखूँ उसको अनकॉम्यूट कितनी अनकॉम्यूट कितनी है, तो मैं 5,000 का 7% कॉम्यूट कर लिया, यानी इकट्ठा ले रहा है, तो 40% आज भी उसको अनकॉम्यूटेड है, अनकॉम्यूटेड यानी जो महीने के हिसाब से मिलती है, 40% ऑफ 5,000 फॉर 2 मंथ्स, क्लियर। तो 5,000 × 4 = 20,000, नीचे 5,000 × 40% × 2, कर फटाफट से 5,000 × 40% ×, ये आ गया आपके पास 4,000। तो टोटल अनकॉम्यूटेड पेंशन इज रिसीविंग इज एज 24,000। फिर बात आती है उसको कॉम्यूटेड कितनी मिल रही है, यानी उससे इकट्ठी कितनी पेंशन मिली, क्या था उसने इसका जो बाकी का पार्ट है वो उसने एक साथ ले लिया, करें हम इसको आगे। अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो क्या होता है स्टूडेंट्स, मैम गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो जितनी भी इसको कॉम्यूटेड पेंशन रिसीव होगी वो तो टोटल एग्जाम्पल हो जाएगी, किसमें, सेक्शन नंबर 10 क्लॉज नंबर 10A में। देखो सेक्शन 10 तो हमें पता ही है सबको कि एग्जाम्पल इनकम का है, आगे उसकी क्लॉज नंबर याद करने हैं, इतनी सी बात है। चलो तो पहले अनकॉम्यूटेड पेंशन कितनी है 24,000, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय हो कोई भी हो, सबके लिए अनकॉम्यूटेड वाला पार्ट तो भाई पूरा टैक्सेबल है। गवर्नमेंट है तो कॉम्प्यूटेड पेंशन कितनी आएगी, 3 लाख रुपीज़ उसकी आएगा, तो स्टूडेंट एग्जाम्प्ट हो जाएगा पूरा का पूरा, दैट इज 3 लाख रुपीज़ इज एग्जाम्प्ट।
अच्छा मैम 3 लाख रुपए कैसे आए, कैसे कम्यूट करें, ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है, उसको 3 लाख रुपए मिली है कॉम्प्यूटेड पेंशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में कितना टैक्स हमें आ गया, सिर्फ और सिर्फ अनकम्यूटेड वाला पार्ट, दैट इज 24,000 रुपीज। नेक्स्ट यहाँ पर दिया मैंने आपको कि मान लो वो एक प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय है और उसको ग्रेचुटी रिसीव हो रही है 5 लाख रुपए एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, पहले तो अनकम्यूटेड पेंशन वो तो पूरा का पूरा टैक्सेबल रहेगा 24,000 जो अभी हमने निकाला था। बात आती है कि इसके केस में अगर वो प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय है, उसको ग्रेचुटी रिसीव हो रही है, ग्रेचुटी रिसीव हो रही है, तो उसके लिए कितनी एग्जम्पशन होगी। क्या बोला था स्टूडेंट्स मैंने आपको, अगर उसको ग्रेचुटी रिसीव होती है, इफ ग्रेचुटी रिसीव एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, तो इन दैट केस उसको एग्जम्पशन मिलती है 1/3 ऑफ टोटल पेंशन की। अच्छा अगर वो प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय है, उनको ग्रेचुटी रिसीव नहीं हो रही, चलो एक तो ग्रेचुटी भी रिसीव नहीं हो रही, तो चलो इसको थोड़ा ज्यादा एग्जम्पशन दे दो, यानी पूरे 50% हाफ की। अब बात आई मैम टोटल पेंशन कैसे निकाले, उसने कहा था कि उसको ने टोटल पेंशन में से 60% को कम्यूट कर दिया, इकट्ठा लिया, और वो 60% बचता है 3 लाख रुपए। अगर 3 लाख 60% की वैल्यू तो 100 की कैसे आएगी, 3 लाख डिवाइडेड बाय 60%, ठीक है, इसका 1/3 समझ आ गया हम बेचारे स्टूडेंट्स यहाँ पर। सो 3 लाख डिवाइडेड बाय 60% यानी उसकी टोटल पेंशन इज 5 लाख रुपीज डिवाइडेड बाय 3, 1 लाख 66,667, ठीक है, इतना एग्जाम्पल पार्ट है। आइए देखते हैं एक बार, तो कॉम्यूटेड पेंशन रिसीव हो रही है उसको 3 लाख रुपये, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स एग्जम्पशन आएगी उसके लिए सेक्शन 10 क्लॉज 10 है, इन्हें हटा देने हैं, गलती से आ रहा है, 1,66,667 अभी मैंने कंप्यूट करके दिखा रहा, 3 लाख में से 1,66,667 गया, तो 1,33,333 नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अगर वो प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय है और उसको कोई ग्रेचुटी रिसीव नहीं, चलो साथ के साथ एग्जाम्पशन निकाल देते हैं, 1/2 × 3 लाख डिवाइडेड बाय 60%, एक तरीके से वो ये कह रहा है कि 3 लाख डिवाइडेड बाय 60% डैट इज 5 लाख, 5 लाख डिवाइड बाय 2,50,000 2,50,000 एग्जाम्प्ट हो जाए। आइए देखते हैं यहाँ पर अकेले, ठीक है। तो थर्ड पार्ट हमारे पास आता है अनकॉम्प्लीटेड पेंशन इज टैक्सेबल इन एवरी केस, हमेशा मैटर क्लास स्टूडेंट्स, कोई भी केस ऐसा नहीं है जहाँ पर ये टैक्सेबल ना, ठीक है, इट इज टैक्सेबल इन एवरी केस। तो हो गया कॉम्प्लीटेड पेंशन 3 लाख में थी, 2.5 लाख अभी मैंने आपको निकाल के दिखाया, एग्जाम 50,000 रुपये टैक्सेबल, 24,000 प्लस 50,000 टैक्सेबल पेंशन इज 74,000। स्टूडेंट्स इसके अलावा पेंशन का कोई केस नहीं बनता, मतलब अगर आप एक क्वेश्चन यहाँ से कर भी लो ना, और आपने पेंशन वाले क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पिकाया, प्रोविजन नहीं पढ़ा, यू विल बी एबल टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन। नेक्स्ट इज रिलेटेड टू ग्रेचुटी, ग्रेचुटी में कहना है एक मिस्टर रवि है जो रिटायर हुआ 15 जून 2023 को, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 26 ईयर्स 8 मंथ्स ऑफ सर्विस, और उसको ग्रेचुटी मिल रही है 15 लाख रुपये की। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट उसकी सैलरी है बेसिक डीए में से 60% इज फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, कमीशन बोनस, ठीक है, कमीशन देंगे 1% ऑफ टर्नओवर। ये केस भी अब ऐसा है, जितना केस बनता है ग्रेचुटी का मैंने यहाँ पे सारा कवर कर दिया, इसके अलावा आपको ग्रेचुटी से कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता, सिर्फ फिगर्स चेंज हो सकती है, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। एक वो प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय है जो कवर हो रहा है पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी, एक पे प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय है जो कवर नहीं होता पेमेंट, या फिर सी पार्ट हो सकता है कि मान लो केस है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, पहला करते हैं, अगर वो प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय है एंड ही इज कवरिंग अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972, कितनी ग्रेचुटी रिसीव हुई 15 लाख रुपये, क्या बताया था मैंने एग्जम्पशन मिलती है सेक्शन नंबर 10 क्लॉज नंबर 10 में, कितनी एग्जम्पशन मिलती है कवर अगर हो रहा है पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में। पहला देखते हैं एक्चुअल अमाउंट रिसीव, कितना बताया था स्टूडेंट्स मैंने आपको, एक्चुअल अमाउंट रिसीव कितना मिला 15 लाख। सेकेंड दोनों केसेस में चाहे वो कवर हो रहा है पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी या नहीं हो रहा, स्टैट्यूटरी लिमिट है 20 लाख रुपये। चेंज कहाँ पर आता है, थर्ड पॉइंट पे, यहाँ पर हमको लेना है 15 दिन की सैलरी बेस्ड ऑन लास्ट ड्रॉन सैलरी, जितनी उसने लास्ट सैलरी ड्रॉ करी है, अच्छा फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस या फिर उसका पार्ट बी,
क्योंकि वो पेमेंट एंड ग्रेचुटी एक्ट में कवर होना है। ठीक है, देखो जितना ज्यादा आप उसको पार्ट देंगे उतनी ज्यादा एग्जम्पशन मिलेगी। ध्यान रखना, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में कवर हो रहा है तो ज्यादा एग्जम्पशन दे रहे हैं। ठीक है, उसने कितना टाइम पीरियड पूरा करा है? मैम उसने टाइम पीरियड पूरा करा है 26 ईयर्स। ओके, तो उसको 26 ईयर्स 8 मंथ्स ऑफ सर्विस ग्रेचुटी एक्ट में कवर है, बेनिफिट मिलना चाहिए। इसको 27 कर दिया, यानी अगर वो इन पार्ट ऑफ एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स है, 6 महीने से ज्यादा वाला पार्ट है, तो उसको राउंड ऑफ कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या देते थे यहाँ पर हम 15/26। बताया था ना मैंने आपको फॉर्मूला, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में कवर हो रहा है तो 15/26, उसकी लास्ट ड्रॉन सैलरी कितनी है 50,000 प्लस डीए है 10,000 पर मंथ। अब बात आती है पूरा डीए लेना या सिर्फ इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट लेना है, पूरा हर चीज में बेनिफिट। जितना ज्यादा अमाउंट होगा उतनी ज्यादा एग्जम्पशन मिलेगी, क्योंकि वो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में कवर हो रहा है। सो पूरा 50,000 प्लस 10,000 मल्टीप्लाई बाय कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स। करके दे, इस पे विश्वास में करके दे, 50,000 प्लस 10,000 मल्टीप्लाई बाय 27 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइड बाय 26, इट कम्स टू 9,34,650। ठीक है, वट इज लीस्ट ऑफ द फॉलन 9,34,650। सो 15 लाख में से माइनस करा, ये हमारे पास आ गया 5,65,385। यहाँ तक समझ आया सबको? कोई डाउट? अब स्टूडेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है वो ये कि सैलरी के दोनों में मैंने मतलब क्या बताई थी, वो मैंने आपको बताया था, एक बार मैं रिपीट करवा देती हूँ कि अगर तो वो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में कवर होगा या वो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में कवर नहीं होगा। अगर वो कवर होगा तो हमें लेटेस्ट वाली सैलरी देखनी है जो हमने देखी 50,000, और लेटेस्ट वाला डीए देखना है। मैम डीए सिर्फ और सिर्फ इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट या दोनों देखना है, मतलब कंप्लीट डीए देखना है, तो उसी के अकॉर्डिंग कमीशन देख लिया नहीं, इसमें कमीशन नहीं देखते फिर, तो इसीलिए यहाँ पर आएगा 50,000 प्लस 10,000। अगर वो पेमेंट एंड ग्रेचुटी एक्ट में कवर नहीं हो रहा तो हमने लास्ट 10 मंथ्स की एवरेज देखनी है, किस किस की, बेसिक पे की प्लस डीए बट इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और जैसे इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट यहाँ है तो इसके हमने कमीशन भी देखनी है। कब? अगर वो परसेंटेज ऑफ टर्नओवर गिवन होंगी सिर्फ और सिर्फ तब। ठीक है, आगे देखते हैं। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे बात है कि वो कवर नहीं हो रहा, ग्रेचुटी रिसीव एग्जम्पशन देखते हैं। पहले दो पॉइंट्स तो सेम, ग्रेचुटी रिसीव 15 लाख, स्टैट्यूटरी लिमिट 20 लाख, यहाँ पे चेंज होगा। यहाँ पर देखते हैं वहाँ 15/26 था, यहाँ पे 15/30 आ जाता है, हाफ मंथ की सैलरी देख रहे हैं। ठीक है, तो यानी 1/2। एवरेज सैलरी कितनी है अभी मैम? 50,000 रुपये प्लस 10,000 रुपये का 60%, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट वाला पार्ट देखते हैं, और कमीशन, कमीशन कैसे कि मैंने यहाँ पे स्टूडेंट 1% ऑफ टर्न ओवर, 1% ऑफ टर्न ओवर है यानी हाँ देखेंगे, लेकिन ये लास्ट 12 मंथ्स की, हमें 10 मंथ्स की देखनी है। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स का उसने कहा कि 1% ऑफ 1,20,00,000 रुपीज, ये 12 महीने का दिया हुआ है, हमें पूरा पार्ट 10 महीने के लिए देखना है, तो डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 10 कि ये 12 के लिए है तो 10 महीने के लिए कितना होगा। समझ आया कैसे निकालें यहाँ पर? तो स्टूडेंट एवरेज सैलरी निकाल कर देखिए, अब जहाँ पर उसके बाद हाफ इंटू एवरेज सैलरी इंटू ईयर्स ऑफ सर्विस, मैम कितना ईयर ऑफ सर्विस लेंगे सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि वो कवर नहीं हो रहा तो उसको कम कर लेना पार्ट को, अब सिर्फ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस लेंगे यानी कि 26 साल लेंगे। ठीक है, ये आ गया 8,58,000, तो 15 लाख में से 8,58,000 माइनस करें टैक्सेबल ग्रेचुटी है 6,42,000। ठीक है, अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो कंप्लीट एग्जाम्प होगी, यानी कि 15 लाख का 15 लाख एग्जाम्प हो जाएगा। ग्रेचुटी में से इस पे से अलग क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, दैट्स माय गारंटी टू यू, मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन आएगा भी तो सिर्फ फिगर्स चेंज हो सकती है, इसके अलावा ग्रेचुटी का कोई क्वेश्चन भी नहीं बनता। ध्यान रखें, नेक्स्ट टॉपिक में आपको करवा लूँ लीव सैलरी का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। मिस्टर गुप्ता आपको करना क्या है, टॉपिक को बुक से रिवाइज करो, जिसके पास मेरे हैंड रिटन नोट्स है वहाँ से देखो, या आप जो भी बुक रेफर कर रहे हो वहाँ से देखो, उसके बाद वहाँ से इसके क्वेश्चंस कवर करो। अगर इतना भी टाइम नहीं लग रहा ना कि मैम इस टाइम प्रोविजल देखने का टाइम नहीं है, नो वरी, टॉपिक्स देखते रहो और साथ ही साथ ही क्वेश्चंस करते रहो। ठीक है, मिस्टर गुप्ता रिटायर हुए हैं 1 दिसंबर 2023 को आफ्टर 20 ईयर्स ऑफ सर्विस, और उसको सैलरी मिली 5 लाख रुपये। कुछ अदर डिटेल्स हैं,
बेसिक सैलरी 5,000 रुपये महीना थी, 1,000 रुपीज वॉज इंक्रीज विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022। यानी स्टूडेंट, ये जो 5,000 रुपये महीना है ना, ठीक है, ये 1 अप्रैल 2022 से 1,000 रुपये इंक्रीज हुई थी। यानी इससे पहले ये 4,000 रुपये महीना थी, ठीक है। फिर अच्छा मैम, ऐसे नहीं चल सकते 5,000 है तो अब 6,000 हुई, इसलिए वाज लिखा है ना, वाज इंक्रीज, यानी कि वो गई थी, उसने आपको करंट सैलरी दी हुई, ठीक है। DNS अलाउड 3,000 रुपये महीना, 60% रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए कमीशन गिवन है, कमीशन फिक्स्ड गिवन है, बोनस है। उसने टोटल कितनी लीव अवेल करी ड्यूरिंग द सर्विस, लीव अवेल ड्यूरिंग द सर्विस वाज 480 डेज, ठीक है। एंड लीव अवेल जारी इसने ली है, हाँ, पूरे 20 साल की करियर में, 20 साल का उसका करियर था, उसने 480 दिन की लीव ली है, ओके। जबकि उसको मिल कितनी रही थी, हर साल 30 दिन की लीव उसको अलाउड थी, पेड लीव होती है, ठीक है। तो यानी 30 × 20 ईयर्स काम करा, उसको 600 लीव अलाउड थी, उसमें सिर्फ 480 यानी 120 लीव उसने काम किया, इसका उसको देखिए पैसा आए। यह रिक्वायर्ड टू कंप्यूट इज टैक्सेबल लीव सैलरी, अज्यूमिंग कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सेकंड वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। इसमें से भी क्वेश्चन बस यही आ सकता है, फिगर्स ही चेंज हो रही, बाकी पूरा वर्ल्ड कवर हो रहा है। मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करें जल्दी से कर लो, कि ये ना हो कि नेक्स्ट आपको क्लास का पता ही ना चले, ठीक है। जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय देन नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, कितनी लीव सैलरी उसको रिसीव हुई है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, उसको लीव सैलरी रिसीव हुई है 5 लाख रुपये। अच्छा गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में क्या था, कोई बताएगा क्या मुझे जल्दी से। टोटल एग्जाम सेक्शन 10 क्लॉज नंबर 10A में कहा टोटल एग्जाम 5 लाख रुपये एग्जाम टैक्सेबल लीव सैलरी ने। अब मैम प्रोविजन तो फिर भी याद हो जाते हैं, क्वेश्चन से भी देख लेंगे, ठीक है, बट ये जो सेक्शन नंबर है ये याद नहीं होता, कोई बात नहीं, याद करो, डेट इज वेरी गुड। नहीं याद हो तो चाहे सेक्शन नंबर स्किप कर लो, इट इज प्रोविजन तो सही से करो स्टूडेंट, ठीक है ना। सेक्शन नंबर की ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा मार्क्स नहीं उसके मिलते, उसके मार्क्स मिलते हैं अगर सेक्शन नंबर पुट करते हो, बट प्रोविजन की ज़्यादा मिलते हैं, तो प्रोविजन तो अच्छे से करो, बाद में सेक्शन नंबर भी याद करेंगे, ठीक है ना। चलो फिर बात आती है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय की, आप एक बार प्रोविजन याद कर लो, मैं सेक्शन नंबर याद करने का तरीका बता दूंगी। नेक्स्ट इज, अब कहा अगर वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, हाँ फिर पूरा एग्जाम नहीं होगा, फिर कुछ टैक्सेबल रहेगा कितना। अब हमें यहाँ पर दिखना होता है, आइए स्टूडेंट्स एक बार, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग शुड बी सम, फर्स्ट इज एक्चुअल अमाउंट टू सी व्हिच इज 5 लाख रुपये, सेकंड स्टैट्यूटरी लिमिट कितनी थी 3 लाख रुपये, थर्ड हमने कहा था 10 महीने की सैलरी देख लो बेस्ड ऑन एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स, याद आ गया, यस। अब 10 मंथ सैलरी बेस्ड ऑन एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स, उसको रिटायरमेंट कब मिली है, एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स। तो मिस्टर दत्ता रिटायर हुआ है 1 दिसंबर 2023, तो बेसिकली हमें नवंबर से शुरू करना है बैक काउंटिंग और हमें 10 महीने लेके जाना है, ठीक है। सो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ एट्थ नाइन्थ टेंथ, ठीक है। फर्स्ट इज नवंबर, अक्टूबर, सेप्टेम्बर, अगस्त, जुलाई, जून, मई, अप्रैल, अब बताऊँ जल्दी, मार्च एंड फरवरी। यानी हमने यहाँ पे जो 10 महीने की सैलरी देखनी है वो फरवरी से लेके नवंबर तक की कंप्यूट कर ली है। समझ आया किस तरीके से देखते हैं, जो भी रिटायरमेंट डेट है उसके पहले के 10 महीने, ठीक है, यानी फरवरी से लेकर अब तक का देखोगे उसका नवंबर तक, ठीक है। आइए स्टूडेंट, तो फरवरी से नवंबर उसने सैलरी के बारे में कुछ बोला था, हाँ उससे कहा था 1,000 रुपये इंक्रीज हुए थे विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022, यानी उससे पहले जो था 5,000 रुपये महीना था, उसका 4,000 रुपये महीना था। अब देखो स्टूडेंट्स, अप्रैल से यहाँ पे एक बार देखो, अब यहाँ पर बात हुई थी कि उसकी सैलरी जो है इंक्रीज हुई थी 1 अप्रैल 2022 से, यानी यहाँ से दिस वन, ठीक है। इसके बाद सैलरी 5,000 है, बट इन दो पार्ट्स के लिए, दैट इज फरवरी एंड मार्च के लिए, उसकी जो सैलरी थी वो 4,000 रुपये थी। इसकी डेट्स देखे ना, उसने कहा है, टीएनडी लिखा है कि 1 अप्रैल से बड़ी थी, यानी 2023 तक वही चली, 1 अप्रैल 23 से फिर हुआ, ठीक है। चलो
4,000 तो स्टूडेंट्स हम सैलरी देखेंगे 4,000 मल्टीप्लाई बाय फॉर टू मंथ्स, देन वी हैव टू कंसिडर 5,000 मल्टीप्लाई बाय 8 मंथ्स, इस तरीके से निकाल लेंगे ठीक है, कि पहले 4,000 रुपये दो महीने के लिए, देन उसकी जो है 8,000 रुपये रही, सॉरी 5,000 रुपये रही। चलो तो 10 मल्टीप्लाई बाय सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स कितनी बताई हमने, 5,000 फॉर 8 मंथ्स एंड 4,000 फॉर 2 मंथ्स। चलो बेसिक तो आ गई, उसके बाद स्टूडेंट्स और क्या लेते थे हम इस सैलरी, जल्दी से कोई बताएगा आप, हम इसमें लेते थे डीए, बट इस डीए इज इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ध्यान आ गया। अब डीए इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कितना है, 3,000 पर मंथ है, बट 60% इज फॉर द रिटायरमेंट बेनिफिट्स, यानी 3,000 का 60% आ गया हमारे पास, जल्दी से बताओ 1,800 ठीक है, 1,800 फॉर 8 मंथ्स। अब ये 10 महीने की बात आ गई, हमने निकालना है इसका एवरेज, यानी इसको डिवाइड कर देंगे 10 मंथ्स, ओके करके देखो स्टूडेंट्स कितना आ रहा है यहाँ पर, फटाफट से करके देखो, 5,000 into 8 दैट इज 40,000 रुपीज, देन 8,000 रुपीज, देन 60% of 3,000 कितना आ गया हमारे पास, हाँ जी 1,800 into 10 18,000 क्लियर। उसके बाद स्टूडेंट्स बात आ गई यहाँ पर डिवाइडेड बाय 10 एंड द मल्टीप्लाई बाय 10, करो फटाफट से यस। अब यहाँ पे बात आती है तो डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज हमारे पास आ गया 66,000 रुपीज ठीक है। अब मैम इसके केस में लीव सैलरी के केस में वैसे सैलरी कितनी होती है स्टूडेंट्स, लीव सैलरी के केस में मैंने आपको बताया था सैलरी होती है बेसिक प्लस डीए जो एक टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है, एवरेज लेते हैं हम 10 मंथ्स का, वो डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 कर रहे हैं, उसके बाद हम लेते हैं कमीशन। फिर आपने कमीशन क्यों लिया, इसलिए बच्चों क्योंकि कमीशन से परसेंटेज ऑफ टर्नओवर देखते हैं, अदरवाइज नहीं देखते हैं, फिक्स गिवन है तो नहीं देखेंगे। फिर हमारे पास आता है फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट पर मैं फॉर्मूला नहीं सीधा होता, आपको फॉर्मूले से दरवारी ऊपर लाना हम ऑलरेडी कर चुके हैं क्लास में, ना समझ आए तो पूछ लेना। हम देखते थे हमारे पास कि भाई उसको कितनी, पहले तो हमने क्या निकालनी है, कितनी लीव डीम थी, 600 निकाली थी ना हमने कि वो कितनी ले सकता था, मतलब उसके पास अवेलेबल लीव कितनी थी, अवेलेबल लीव ठीक है, उसने लीव अवेल करी कितनी 480, तो उसकी ड्यू कितनी रह रही, जितनी वो और ले सकता था 120 दिन की। अब स्टूडेंट दिस 120 डेज उसको मैक्सिमम कितनी अलाउड थी, 30 डेज ठीक है, मल्टीप्लाई बाय एवरेज सैलरी पर मंथ, बताया था ना मैंने आपको इस तरीके से करना, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, लीव ड्यू डिवाइडेड बाय 30 डेज एवरेज सैलरी पर मंथ। अब एवरेज सैलरी कितनी लेते थे, एवरेज बेसिक सैलरी डीए इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ लास्ट 10 मंथ ऑब्वियसली, और एवरेज टर्नओवर कमीशन, यानी सेम लेते थे डीए एवरेज सैलरी बेसिक पे और टर्नओवर कमीशन। अब बेसिक सैलरी कितनी गिवन है उसकी, उसकी स्टूडेंट्स यहाँ पर बेसिक सैलरी गिवन है, हमने निकाल ली थी उसका पार्ट ठीक है, कि 5,000 और जो 4,000 वाला पार्ट आ रहा है, उसके बाद डीए दिया हुआ है 3,000 रुपये 60% टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट है, और 500 रुपये तो कमीशन यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे ठीक है। अच्छा ऊपर तो जिस तरीके से निकाली थी एवरेज सैलरी 66,000, मैम कैसे ये देखो ऊपर मैंने आपको निकलवाया था, इसमें बेसिक प्लस डीए कमीशन कंसिडर नहीं करी, वो सब आ गया। अब अगले स्टूडेंट्स क्या करना था, एवरेज सैलरी निकालनी थी 66,000, एक तरीके से 10 मंथ्स का गिवन है तो यहाँ पर डिवाइडेड बाय 10 कर दिया 26,400। ये 10 मंथ्स का क्यों है, आ जाओ वेट मैम, देखो यहाँ पर हमने 10 महीने का निकाला था, 10 महीने का निकालने के बाद उसको 10 से डिवाइड 10 से मल्टीप्लाई, तो फर्स्ट ऑफ वे यू हैव टू डू द क्वेश्चन, वो मल्टीप्लाई डिवाइड करके सेम उसका लॉजिक आता है, लेकिन हाँ जैसे ऐसे क्वेश्चन करोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, एक तरीके से ये मैं बोलूँगी टेक्निकल आपका तरीका है क्वेश्चन करने का। तो ये हमारे पास 10 मंथ्स का आ रहा था, हमें निकालना है एक महीने का डिवाइड बाई 10 26,000 क्लियर, 120 डिवाइड बाई 13 66,000 डिवाइड बाई 10 26,400, सो वट इज लीस्ट ऑफ द फॉलन 26,400 टू टैक्सेबल लीव सैलरी आ गई 4,73,600। करके देखो इस क्वेश्चन को दोबारा आफ्टर द क्लास, तभी डाउट है तो पूछ लेना मैम बस क्लास ओवर है के नहीं नहीं आ रहे रुक जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू URPF अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, क्वेश्चन नंबर 6, मिस्टर ए रिटायर हो गया सर्विस से December 31, 2023 को आफ्टर 25 ईयर्स ऑफ सर्विस, 25 साल पूरे करें, ये कुछ पर्टिकुलर दी हुई है उसकी इनकम और इन्वेस्टमेंट की प्रीवियस ईयर के, बेसिक पे है 16,000 पर मंथ फॉर 9 मंथ्स, 9 महीने काम किया था दिसंबर में वो रिटायर हो गया, डीए मिला 72,000 का,
अब वो कह रहा है स्टूडेंट 50% फॉर्म्स पार्ट ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट्स। नीला किस हिसाब से 8,000 रुपये पहला उसको नॉमिनी थी यानी वही 72,000 लमसम पेमेंट रिसीव हुई 6,00,000 रुपये की और PPF अकाउंट में डिपॉजिट करा 40,000। आउट ऑफ द अमाउंट रिसीव फ्रॉम द UIPF एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन था 2,20,000 और उस पर इंटरेस्ट बनता है 50,000 का। इम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन 2,70,000 और उस पर इंटरेस्ट बनता है 60,000 रुपये। आपको बताना है व्हाट इज अ टैक्सेबल पोर्शन। स्टूडेंट्स क्या बोला था हमने कि UIPF के केस में क्या होता है, जल्दी से कौन मुझे बताने वाला है UIPF के केस में कितना कितना अमाउंट जो है वो एग्जाम रहता है या फिर कितना अमाउंट जो है वो टैक्सेबल होगा, फटाफट याद करो। मैंने आपको बताया था कि एम्प्लॉय का जो खुद का कॉन्ट्रीब्यूशन उसको इग्नोर कर दो, उसे अपना पैसा लगाया कुछ नहीं करना, इंटरेस्ट एग्जाम होता है UIPF के केस में। एम्प्लॉय की कॉन्ट्रीब्यूशन पे इंटरेस्ट आ रहा है एग्जाम, एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन एग्जाम कुछ नहीं करना उसका। बात मैम फिर इसमें तो उसके मजे नहीं, जिसको लमसम अमाउंट रिसीव होता था एम्प्लॉय की कॉन्ट्रीब्यूशन को इग्नोर करते थे, इंटरेस्ट जो एम्प्लॉय के कॉन्ट्रीब्यूशन पर आता है डैट इज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, और एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन और उसका इंटरेस्ट टैक्सेबल अंडर द हिट सैलरी। लिखवा दो एक बार, चलो आ जाओ। UIPF के केस में स्टूडेंट्स पहले वाली सारी बातें तो इग्नोर एंड एग्जाम्प्टेड है जब तक लमसम अमाउंट नहीं मिल रहा। जब उसको UIPF का अमाउंट मिल रहा है उसके बाद एम्प्लॉय का जो कॉन्ट्रीब्यूशन वापस मिला जस्ट इग्नोर इट, अपना पैसा लगाया था मिल गया, उस पर जो इंटरेस्ट आया टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, और जो एम्प्लॉयर ने पैसा लगाया कोई 12% या 9.5% की उसको एग्जम्पशन नहीं है, कंप्लीट टैक्सेबल होगा अंडर द हिप सैलरी। ठीक है, अब इस बेसिस पर क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ। क्या कहा स्टूडेंट्स उसने, जो अमाउंट मिला है UIPF से एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन है 2,20,000 रुपये यानी 2,20,000 रुपये क्या हो जाएगा, जो उसका खुद का कॉन्ट्रीब्यूशन है जस्ट इग्नोर इट, एम्प्लॉयर का है तो एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन 2,20,000 रुपये टैक्सेबल अंडर द हिट सैलरी, 50,000 रुपये अगेन टैक्सेबल अंडर द हिट सैलरी, क्यों, एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन इंटरेस्ट दोनों जो है टैक्सेबल हो जाएगा, तो याद है 2,70,000 रुपये। अमाउंट टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कितना होगा, जो उसको अपने अमाउंट पर उसने कॉन्ट्रीब्यूशन किया था 2,70,000 रुपये कुछ नहीं होगा टैक्सेबल, 60,000 रुपये का जो इंटरेस्ट आया डैट इज टैक्सेबल अंडर IFOS। क्लियर है स्टूडेंट, तो यहाँ पर टोटल हमारे पास आ गया 3,30,000। अच्छा मैम जो उसने PPF फर्म में पैसा डाला था, स्टूडेंट्स उसे PPF में पैसा डाला था या जो भी करा था वो सब हम कब कंसिडर करते, वो सब हम तब कंसिडर करते अगर वो हमें ये कहता कि आप हमें टोटल अमाउंट बता दो जिसकी ग्रॉस टोटल इनकम कितनी बनती है। उसने सिर्फ पूछा कितना अमाउंट जो है UIPF में से टैक्सेबल रहेगा इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है, तो वो यहाँ पर कंसिडर नहीं होगा। समझ आ गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारे पास आता है। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है डैट इज अ ग्रॉस सैलरी क्वेश्चन, यानी पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से आएगा, ठीक है, कर इसको आ जाओ। ग्रॉस सैलरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, मिस्टर बी वर्क करता है XYZ लिमिटेड में, उसकी कुछ डिटेल्स गिवन है, आपको निकालनी है ग्रॉस सैलरी। बेसिक सैलरी गिवन है DA इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, कमीशन है द परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, और टोटल टर्नओवर थी 50,00,000, यानी कमीशन निकलेगी 50,00,000 का 0.1%, ठीक है, बोनस है, ग्रेचुटी है, कॉन्ट्रीब्यूशन है RPF में, एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन RPF में, और इंटरेस्ट अकेले, एक एक करके अब इसको निकालते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पर क्लास में लिख देंगे बेसिक सैलरी कितनी मिली है उसको, बेसिक सैलरी 10,000 रुपये महीना, अब घंटे क्वेश्चन देखो लिखे होगे ऊपर कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी एंड ऑल। फिर स्टूडेंट्स बात आती है बेसिक सैलरी की, कितनी बेसिक सैलरी में उसको मिल रही थी 10,000 रुपये महीने, ठीक है, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 12, उसके बाद बात आ रही है यानी बात करें तो 1,20,000 इज टैक्सेबल है, ये तो इनके आप 20,000, ठीक है। फिर उसको और क्या मिला, उसको मिला DA, टोटल DA, अब इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कितना है इसमें से, उसने कहा इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज 50% इज फॉर द रिटायरमेंट बेनिफिट्स, यानी 8,000 रुपये महीना मिल रहा है, 8,000 रुपये महीने में से 50% रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए और 50 अदर, तो टोटल DA में से 8,000 रुपये महीना मिल रहा है, ठीक है, लेकिन 50% जो है वो रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए, इस बात को ध्यान रखिए, वह टैक्सेबल एक बार तो पूरा होगा, अच्छा 8,000 बटन दाय
96,000 और क्या मिला उसको, मैम और उसको मिला है कमीशन एज अ परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, ठीक है, उसके लिए तो पूरा टैक्सेबल है ना, लॉस सैलरी है, तो देखो कमीशन कितना है 50 लाख का 0.1%, देखो 50 लाख का 0.1%, 5,000 रुपये ये टैक्सेबल आ गया। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट क्या गिवन है, टर्नओवर गिवन है, ठीक है, बोनस मिला है 40,000 का, लिखो यहाँ पर बोनस। अच्छा बोनस के केस में तो एग्जम्पशन है क्या, नहीं भाई कोई एग्जम्पशन नहीं है, यानी टोटल अमाउंट है टैक्स में। नेक्स्ट अब बात आती है ग्रेचुटी की, ग्रेचुटी रिसीव हुई है उसको 25,000 रुपये की, क्या वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, नहीं गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो नहीं है। फिर अगर उसको कुछ नहीं मिला ना, ग्रेचुटी रिटायरमेंट पे नहीं है लिखा हुआ है, तो उसकी रिटायरमेंट रियल नहीं। और स्टूडेंट्स मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि अगर ग्रेचुटी रिसीव होती है ड्यूरिंग द सर्विस टाइम, ठीक है, तो वो फुली टैक्सेबल है। रिटायरमेंट टाइम है तो फिर उसके एग्जम्पशन है, अगर उसको सर्विस के टाइम पे मिली है, अभी वो काम कर रहा है, तो फुली टैक्सेबल। कितना था ग्रेचुटी अमाउंट, 25,000, कितना है 25,000, ध्यान रखना स्टूडेंट। मैंने आपको रिटायरमेंट वाला भी करवा दिया, और ये अगर उसको सर्विस टाइम में मिली है तो पूरा 25,000 टैक्सेबल। अब अपना कॉन्ट्रीब्यूशन RPF में 20,000, एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन 20% बेसिक सैलरी, और इंटरेस्ट अक्री हुआ है एट द रेट ऑफ 13% पर आना। क्या पढ़ा था स्टूडेंट, अपना कॉन्ट्रीब्यूशन खुद का पैसा लगाना क्या है उसकी इनकम है, नहीं तो जस्ट इग्नोर इट, नीचे लिख दीजिए कि इसकी डिडक्शन मिल जाएगी अंडर सेक्शन 80C, ठीक है, ग्रॉस इनकम में जानते हुए। एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन 20% है बेसिक सैलरी के, कितना अलाउड होता है, कितना अलाउड होता है स्टूडेंट्स RPF के केस में, देखो RPF के केस में कॉन्ट्रीब्यूशन कितना अलाउड है कि एम्प्लॉयर कितना कर सकता है, 12% किसके सैलरी के, सैलरी यानी यहाँ क्या कंसिडर करते हैं, बेसिक सैलरी प्लस DA इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्लस कमीशन अगर वो इन टर्म्स ऑफ टर्नओवर दी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स उसने कहा एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन है 20% ऑफ बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी कितनी है 10,000 रुपये महीना, ठीक है 10,000 रुपये महीना, ओके। अब निकालते हैं कि इसके हिसाब से कितना, हमारे हिसाब से कितना होना चाहिए। देखो स्टूडेंट उसने कहा यहाँ पर आ जाएगी एक बार, कि उसको जो उसने कॉन्ट्रीब्यूट कराया था उसने 20,000 रुपये महीना ने RPF कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर, कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है स्टूडेंट्स, कॉन्ट्रीब्यूशन है 20,000 रुपये महीना, यानी 12 महीने के लिए हो गया हमारे पास ये तो सर 20% ऑफ बेसिक सैलरी की, ठीक है ना, बेसिक सैलरी लिख लेते हैं अभी एक बार, बेसिक सैलरी इज 10,000 पर मंथ, दैट इज फॉर द 12 मंथ्स इट इज 1,20,000 रुपीज, ठीक है, तो 20% ऑफ 1,20,000, ओके कितना बैठता है ये जरा करना, 1,20,000 का 20% 24,000 बैठेगा, इतना उसने दिया है। अब एग्जाम्प्ट कितना हो सकता है, एग्जाम्प्ट उसने कहा था कि भाई 12% ऑफ बेसिक प्लस डी इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्लस कमीशन, यानी 1,20,000 प्लस 96,000 का 50% इज फॉर द रिटायरमेंट बेनिफिट्स ना, तो 96/2, 48, तो देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स 1,20,000 प्लस 48,000 प्लस कमीशन कितनी है 5,000 रुपये, निकालना इसको टोटल, टोटल आ गया 1,73,000, वो कह रहा है 1,73,000 का 12% निकाल लीजिए 20,760 रुपीज़, यानी मैक्सिमम जो उसको अलाउड था जितनी वो एग्जम्पशन ले सकता है डेट इज 20,760 रुपीज़, जो मैंने ऊपर कंप्यूट करके दिखाया है वो अलग से हम वर्किंग नोट में कंप्यूट कर देंगे, ठीक है, तो 24,000 माइनस 20,760 इट कम्स टू 3,240, तो टैक्सेबल अमाउंट आ गया 3,240। नेक्स्ट उसको इंटरेस्ट कितना मिला है, इंटरेस्ट अक्री हुआ है 13,000 रुपये, कितना इंटरेस्ट अलाउड होता है 9.5% तक, इसको मिला है 13%, कैसे निकालेंगे, अगर ये सब वर्किंग नोट में करके दिखाना चाहिए, 13% के लिए है तो 9.5% के लिए कितना होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि 9.5% पर एनम RPF का जो इंटरेस्ट आता है वो उसके लिए एग्जाम रहता है, तो डिवाइडेड बाय
30% मल्टीप्लाई बाय 9.5% यानी 9500 तक उसको एग्जम्पशन मिली। 13,000 उसको मिला है माइनस 9500 टैक्सेबल पार्ट आ गया 3500। ठीक है, तो यार लिखो स्टूडेंट उसके लिए इंटरेस्ट कितना टैक्सेबल हो जाएगा 3500 रुपीज। आई होप सबको समझ आ गया वो ग्रॉस सैलरी आ गई 2,92,740। कहीं कोई डाउट है कोई भी क्वेरी है सो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी आउट। क्या चलो अच्छा यहाँ देखो लिख दिया मैंने कि इम्प्लॉय का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है आरपीएफ के लिए भाई वो टैक्सेबल नहीं है, वो डिडक्शन मिलेगी अंडर सेक्शन 80C। अब इसके साथ आज की क्लास करते हैं यहाँ पर ओवर। डेली सेशन लेंगे आपका 45 मिनट्स का, अप्रॉक्स 45 मिनट्स का। कल हम करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट एट वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन से रिलेटेड या फिर मेडिकल बेनिफिट्स या फिर और जितने भी पार्ट्स है। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को ना, हम कमेंट बॉक्स में बताओ कि प्रैक्टिस एफिट कैसा लगा। ओके बाय, हैव अ ग्रेट डे।